ये लो। गुड। पासपोर्ट आ रही है, पिक्चर्स। लेकिन तुम इतनी लेट क्यों हो गई? ओह गॉड, बड़ी मुश्किल से डिजाइनर से पीछा छुड़ा कर आई हूँ। डिजाइनर? हाँ, तुम्हें पता नहीं है कितना नाटक करना पड़ रहा है मुझे। मुझे सिंघानिया की बीवी है ना, उन्होंने मेरी एंगेजमेंट की ड्रेस के लिए किसी प्रोफेशनल डिजाइनर को बुलाया है। क्या बात है यार, तुम्हारी शादी की तैयारियां तो एकदम जोरों शोरों से चल रही है। गुड यार। हाँ, शादी की तैयारियां तो बहुत अच्छे से चल रही है, और अगर तुमने वक्त पे ये टिकट और वीजा नहीं बनवाया ना, तो तैयारियों के साथ साथ मेरी एंगेजमेंट भी हो जाएगी। और तुम याद रखना, अगर उसके साथ मेरी एंगेजमेंट हो गई ना, तो शादी भी मैं उसी से करूंगी। वीजा का फॉर्म जहां जहां क्रॉस लगे ना, वहां साइन कर देना। पेन? सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक का बेटा। क्या कमाल का पैसा होगा उस आदमी के पास। उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ए मैडम, कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल रहा? ये लो, अभी तक तो नहीं बदला, लेकिन बदल सकता है अगर तुमने हमारी भागने की तैयारियां जल्दी नहीं की तो। मेरी ट्रैवल एजेंट से बात हो गई, कल सुबह तक हमारा मॉरिशस का वीजा आ जाएगा। कल सुबह ठीक 11 बजे मैं तुम्हें फोन करूंगा और ये बताऊंगा कि हमारी फ्लाइट कितने बजे की है और हम कब और कहां मिल रहे हैं। लेकिन 11:30 बजे करना, क्योंकि 11 से 11:15 तक जीजू घर पे होते हैं। ओके, मैं 11:30 और 12:15 के बीच में फोन करूंगा, चलेगा? ओके ओके ओके, चलेगा। फॉर्म तो दो और जल्दी से चलो, वो ट्रैवल एजेंट ना मेरा पासपोर्ट ऑफिस पे वेट कर रहा है। कम कम कम। मामा, मामा। सानिया, सानिया मेरी बच्ची। रवि, ये सानिया कहाँ है? रवि एयरपोर्ट से अकेले हो? सानिया कहाँ है? कहाँ है बोलना। अरे मामा जी, सानिया नहीं आई। क्या नहीं आई? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो इसी फ्लाइट से तो आने वाली थी। लेकिन नहीं आई मामा, 2 घंटे तक पागलों की तरह एयरपोर्ट पे उसका इंतजार करता रहा। कितना ढूंढा मैंने उसे, इतने फोन ट्राई किए, इडियट ने फोन तक ऑफ करके रखा हुआ था। पता 3-4 बाल्टी तो पसीना निकल गया मेरा, 8-9 कोल्ड ड्रिंक पी गया मामा। इडियट को कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। रवि बेटा, कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा? लगता है तूने और सानिया ने मिलकर मुझे परेशान करने की ठान ली। सानिया बाहर है ना? अरे मामा, मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा, आपकी कसम सानिया नहीं आई। सानिया नहीं आई तो फिर ये लड़की आखिर गई कहाँ? हे भगवान, कहीं ये लड़की कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। दीदी, सिद्धांत ने सारा इंतजाम कर दिया है और कल तक मॉरिशस का वीजा भी मिल जाएगा और फिर हम दोनों। दीदी, क्या हुआ? दीदी दीदी बताओ ना क्या हुआ प्लीज। तुम्हें हमेशा खुश रख के। दीदी ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत कहो ना, मुझे भी रोना आ जाएगा। हेलो यार, मेजर प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? हमारा वीजा अर्जेंट कैटेगरी का है, उसके लिए एक और फॉर्म भरना पड़ेगा जिस पे तुम्हारा साइन चाहिए। ओ गॉड, अब क्या करेंगे? देखो, अगर तुम्हारे जीजू घर पे नहीं है तो मैं आ जाता हूँ, बस 5 मिनट की बात है। जीजू? जीजू तो अभी नहीं है घर पर, लेकिन कभी भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो बड़ा रिस्की मामला है। शामली, बस 4-5 साइन लेने हैं यार, 5 मिनट की बात है। सिद्धांत, कैसा काम करते हो तुम, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। शामली, इस एडिशनल फॉर्म के बारे में ट्रैवल एजेंट ने मुझे अभी बताया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है, देखो मैं तुम्हारे पास आती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। यार तुम समझ नहीं रही हो, देखो मैं ट्रैवल एजेंट के ऑफिस से निकल चुका, वीजा ऑफिस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में और तुम्हारा घर बीच में,
इसलिए मुझे वीजा ऑफिस जाने के लिए तुम्हारे घर से गुजरना ही पड़ेगा, तो मैं 5 मिनट के लिए अंदर आ जाता हूँ। शामली मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, हेलो, क्या हुआ शामली? दीदी वो घर आ रहा है। वो कौन? सिद्धांत। सिद्धांत, अरे पागल हो गई है तू, वो घर पर क्यों आ रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता कि आखिर सानिया गई कहां। ये लड़की मुझे परेशान ना करे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बहना, उसकी फ्लाइट मिस हो गई होगी, इतना टेंशन मत लीजिए। लेकिन छोटे एक फोन तो करना चाहिए था। हाँ मामा, सानिया बहुत ही ज्यादा लापरवाह होगी है, इडियट ने अपने फोन तक ऑफ करके रखा हुआ है। एक बार फोन करके इन्फॉर्म कर दे कहाँ पर है, नेक्स्ट टाइम मैं उसे एयरपोर्ट लेने नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा मत जाना। अरे बहना, तुमने उसके हॉस्टल फोन किया क्या? अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, क्वींस गर्ल्स हॉस्टल जी, मैं मिसेस सिंघानिया बात कर रही हूँ, आप मेरी सानिया से बात करवाएंगे प्लीज? क्या, कब? जी क्या हुआ बहना? हॉस्टल का प्यून कह रहा है कि सानिया हॉस्टल में नहीं है, सारा हॉस्टल खाली है। सानिया कहाँ चली गई? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो गई कहाँ। अगर साहब को इस बारे में पता चल गया ना, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और तुम दोनों एक बात ध्यान से सुनो, साहब को इसके बारे में जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि सानिया इस तरह से गायब हुई है, ठीक है? क्या है? डैडी जी आ गए मामा। सानिया कहाँ? सानिया तो नहीं आई? नहीं, हाँ आई मीन वो तो कल आने वाली थी ना, आज थोड़ी आने वाली थी। झूठ मत बोलो शारदा। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हमने खुद उसे आज की फ्लाइट की टिकट्स भेजी थी। कब तक तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें करती रहोगी और मैं तुम्हें? वो सब तुम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं ना भैया, मुझे एक बार बता दो, वन लास्ट टाइम प्लीज। सानिया, हद होती है लापरवाही की, और ऊपर से तुम मुझे झूठ बोल रही हो, लड़की का आता पता नहीं है। शारदा, इस घर में किस कोने में कब क्या चल रहा है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं,
तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हो, और सानिया ने इस किस्म की हरकत पहली बार नहीं की है। डैडी जी, क्या हुआ? सानिया आ गई। हाय एवरीवन, सानिया, सानिया मेरी बच्ची आ गई। तो तूने तो मेरी जान ही निकाल डाली थी। जानती है तू, मुझसे ज्यादा तो तेरे डैडी तेरे लिए परेशान हो रहे थे। कहाँ रह गई थी तू? हाँ, डेढ़ घंटा तेरा एयरपोर्ट पे इंतजार किया मैंने। मामा ये झूठ बोल रहा है, ये तो वहां आया ही नहीं। इंतजार मैंने किया, वो भी दो घंटों तक। फिर जब वो नहीं आया तब मैंने विक्रम भैया को फोन करके बुलाया वहां पे। मामा, मामा ये झूठ बोल रही है। रवि, तुम शायद गलत टर्मिनल पे खड़े थे। सानिया टर्मिनल बी से आई है और तुम विक्रम। रवि सच कह रहा है। और सानिया के साथ तुम भी झूठ बोल रहे हो। इस तरह सानिया की हरकतों को बढ़ावा मत दो विक्रम, प्लीज। कहां से आ रहे थे? एयरपोर्ट से। झूठ बोल रही हो तुम। जो मैंने कहा वही सच है, सबने सुना, आपने नहीं सुना? सच सच बता, हम तुम्हारी ये मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे सानिया। एंड डोंट यू फॉरगेट, तुम सिंगानिया खानदान की बेटी हो। नाउ विल यू प्लीज टेल मी द ट्रूथ, कहां से आ रहे हो तुम? I told you the truth. और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तुम्हें हॉस्टल छोड़े हुए 3 दिन हो गए सनी। तुम खंडाला गई थी। तुम एयरपोर्ट से नहीं, खंडाला से आ रही हो सनी। Why didn't you inform us? जानबूझकर तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो सानिया? तुम तुम्हारी वहां सहेलियों के साथ ही, इसलिए हमने तुम्हें वहां से बुलवाया नहीं, वरना हम। तो आप मेरी जासूसी करवा रहे थे। If that is the case, Mrs. Singhania, मैं आपकी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। I want my freedom. मैं जो चाहूंगी वही करूंगी, और आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। सानिया, ये कौन सा तरीका आपने डैडी से बात करने का? हाँ, माफी मांगो। सुना तुमने? माफी मांगो सानिया। सानिया, सानिया, दीदी ये सिद्धांत। दीदी नमस्ते। श्यामली, जो भी पेपर वगैरह पर साइन करनी है जल्दी से साइन कर दे। हाँ, पेपर देना। कहाँ साइन करना? तुम श्यामली को लेकर कहाँ जाओगे? लंदन के। यहाँ यहाँ लंदन की वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन फिलहाल मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, जहाँ का भी वीज़ा मिलेगा चले जाएंगे। अच्छा, पर तुम्हारी फैमिली कहाँ है? पेरेंट्स नहीं है। वैसे तुम रहने वाले कहाँ के हो? यहाँ। यहाँ? यहाँ कहाँ?
नहीं मतलब साइन यहाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और तुम काम क्या करते हो? नहीं नहीं एक साइन पीछे भी। क्या? मैंने पूछा काम क्या करते हो तुम? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सिद्धांत, मेरी बहन की जिंदगी अब तुम्हारे हवाले है। तुम्हारे प्यार पर भरोसा करके ये कमरे में जाओ जल्दी। मेरे कमरे में? हाँ तुम्हारे कमरे में। लेकिन लेकिन दीदी मेरे कमरे में कैसे? तुम जाओ शामली, अभी सवाल करने का वक्त नहीं है। सिद्धांत इधर आओ, जाओ जल्दी। कोई दरवाजा खोलो। बैरी हो गई हो तुम? हाँ कब से डोरबेल बजा रहा हूं, दरवाजा ठोक रहा हूं पागलों की तरह, सुनाई नहीं रहा तुम्हें? पता नहीं क्या करते रहते हैं। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? जी वो मैं नहा रही थी। तुम्हारा चेहरा देख के लग नहीं रहा है कि तुम अभी अभी नहीं हो। अब वो तो इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? जी जी नहीं तो हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। क्या कर रहे हो सिद्धांत? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो मौके का फायदा उठा रहा हूँ। कौन सी फिल्म मेरी जान जा रही है? और तुम जी जी सुन लेंगे। अरे खुश हो जाओ मिसेस रघुवीर शर्मा, खुश हो जाओ। अरे कुछ मिठाई विठाई खिलाओ हमें, अपनी तकदीर पर नाज करो कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारे जीजू आते हैं तो आ जाए, मैं निपट लूंगा। मतलब क्या? अरे वो तो मेरा दिमाग था। बताइए ना क्या खुशखबरी है वो? अरे कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है। एक मिनट, ये देखो मालूम है ये क्या है? सिंगानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चेक। अरे देखो 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 देखो, तुमने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी अमाउंट का चेक कभी नहीं दिखा होगा, छूकर देखो। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप ऐसा कीजिए बेडरूम में जाकर चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूं। नहीं ये चेक सबसे पहले मैं शामली को दिखाऊंगा। मुझे जाने दो सिद्धांत, प्लीज मुझे जाने दो। कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है। ओह गॉड। अरे भाई उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका जीजा कितना बड़ा आदमी है। कहाँ जा रहे हैं आप? शामली अपने कमरे में ही है ना? हाँ है, लेकिन वो सो रही है। सो रही है इस वक्त? जी वो क्या है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सोने दीजिए ना उसे। सर दर्द। अच्छा